तो यार मुसोको तेंसे के सीजन 2 से रिलेटेड हमें एक लीक न्यूज मिला है, और यार सीजन 2 को लेकर ही नहीं सीजन 3 से रिलेटेड भी हमें एक लीक न्यूज मिला है जो शायद हो सकता है आने वाले सीजन के लिए एक बड़ा हिंट। क्योंकि यार जैसा कि आपको पता है कि कितना हाइप में है मुसोको तेंसे का आने वाला सीजन, तो यार जब भी सीजन 2 आएगा मुझे लगता है कि सीजन 2 विल सरपास द सीजन 1। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनीमे। तो यार गाइस मैं आ चुका हूं एक और एनीमे अपडेट के साथ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मुसोको तेंसे जॉबलेस रीइनकार्नेशन के सीजन 2 और सीजन 3 के लीक न्यूज के बारे में, जो वाकई एक बड़ा हिंट हो सकता है। तो यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मुसोको तेंसे जॉबलेस रीइनकार्नेशन एनीमे ने एक अलग ही लेवल खड़ा कर दिया है आने वाले नए इज़ेकाई एनीमे के लिए, और जिस तरीके से मुसोको तेंसे ने एक फेम हासिल किया है अपने लिए वो वाकई काबिले तारीफ है। तो यार ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब कैसे मुसोको तेंसे उस हाइप को कंटिन्यू रखने वाला है और फैंस को शॉक करने वाला है अपने एनीमे से। तो यार वैसे तो लाइट नोवेल में स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लेकिन जब वो एनीमे में अडेप्ट होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो यार देखते हैं कि एनीमे कितना दूर होने वाला है। तो यार वैसे तो जो मैं लीक न्यूज आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा पुराना है, लेकिन वो न्यूज आज भी हिट करता है फैंस को जब भी वो इस बारे में सुनते हैं या फिर उसे देखते हैं। तो यार ये न्यूज है फेमस एनीमे लीकर सुगोई लाइट की तरफ से, जिसने क्लेम किया है कि जो मुसोको तेंसे का सीजन 2 और सीजन 3 है उन दोनों सीजन का प्रोडक्शन जो है शुरू हो चुका है। और ये न्यूज ट्विटर पर तब पोस्ट किया गया था जब सीजन 1 का पार्ट 1 एंड हो चुका था और पार्ट 2 अनाउंसमेंट हो चुका था। तो यार सिंपली बात ये है कि जो न्यूज लीक किया गया है सीजन 2 और सीजन 3 को लेकर वो सही है या फिर गलत है। तो यार वैसे तो जो सुगोई लाइट है एनीमे न्यूज लीकर, उसने काफी ऐसे न्यूज भी लीक किए हैं जो काफी बार सही भी निकले हैं। तो यार ये कहना मुश्किल है कि सीजन 2 और सीजन 3 को लेकर जो न्यूज है वो सही है या फिर गलत। तो यार ये तो तब पता चलेगा जब एक्चुअल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगा। तो यार अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो यार शायद हमें 16 मार्च को पता चल सकता है, क्योंकि 16 मार्च को मुसोको तेंसे का ओवी एपिसोड रिलीज होने वाला है। तो हो सकता है कि उस ओवी एपिसोड के रिलीज होने के बाद शायद हमें सीजन 2 को लेकर अनाउंसमेंट मिल जाए। और जो सुगोई लाइट है एनीमे न्यूज लीकर, जो उसने क्लेम किया है सीजन 2 के और सीजन 3 के प्रोडक्शन का, वो भी शायद प्रूव हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होगा ओवी एपिसोड के प्रीमियर होने के बाद। तो तब तक के लिए बी रेडी फॉर इट ऑल द मुसोको तेंसे एनीमे फैंस। तो यार अब चलते हैं इसके सोर्स ऑफ मटेरियल की तरफ। तो यार इसका सोर्स ऑफ मटेरियल काफी इनफ है सीजन 2 और सीजन 3 के लिए। तो इसके टोटल करेंटली 25 वॉल्यूम्स है, जिसमें से सीजन 1 में ओनली 6 वॉल्यूम्स अडेप्ट किया गया है, तो बचे 19 वॉल्यूम्स, जो कि यार काफी इनफ है आने वाले सीजन के लिए। तो यार अगर 16 मार्च को ओवी एपिसोड के बाद हमें सीजन 2 को लेकर अनाउंसमेंट मिलता है तो शायद हमें सीजन 2 फॉल 2022 से देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोर्स ऑफ मटेरियल काफी इनफ है। और जो मुसोको तेंसे के प्रोड्यूसर है वो भी चाहते हैं कि मुसोको तेंसे एनीमे जो है वो लॉन्ग रनिंग एनीमे बने, जस्ट लाइक सोर्ड आर्ट ऑनलाइन एनीमे की तरह। तो यार इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस हैं सीजन 2 का फॉल 2022 में आना, अगर ओवी एपिसोड के बाद हमें सीजन 2 को लेकर अनाउंसमेंट मिलता है। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। और गाइस आपका क्या ओपिनियन है सीजन 2 को लेकर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो यार बस आज के लिए इतना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं एनीमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।